गार्डनर्स, वेलकम टू आवर चैनल गार्डनिंग विद प्रिया। आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं बात करने वाली हूँ मधुकामनी प्लांट केयर के ऊपर। तो ये जो हमारा मधुकामनी प्लांट है, इसको मुरैया पेनिकुलाटा भी बोलते हैं। एंड ये सबसे बेस्ट प्लांट है, एकदम हार्डी और ईजी टू ग्रो प्लांट है। समर के लिए तो एकदम बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। मॉनसून में भी इसकी जो फ्लावरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। एंड एक जैसे जैसे आपका प्लांट मैच्योर होता रहता है, इसकी जो फ्लावरिंग की कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है। और जो इसके फ्लावर्स हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, एकदम हल्की, जैसे लेमन के जो फ्लावर्स होते हैं वैसे इसमें भी फ्रेग्रेंस आती है। तो बहुत अच्छा इसमें जो फ्रेग्रेंस है, तो हम इसी पे आज बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉट की। तो इस प्लांट को ज़्यादा कोई बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। 8 से 10 इंच का जो पॉट है वो इसके लिए सफिशिएंट है, उसमें आपका प्लांट हेल्दी से ग्रो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सनलाइट। तो अगर आप इसे फुल डे की सनलाइट में रखते हैं तभी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपनी हेल्दी ग्रोथ लेगा, और जो इसकी फ्लावरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगी और एकदम हैवी ब्लूम्स होंगे। तो इसको फुल डे की सनलाइट में आप रखिए तो बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कितने वेराइटीज़ इसकी मिलती है। तो इसकी 3 वेराइटीज़ मिलती हैं मेरे पास। जो है ये है मिनी कामनी वेराइटी, एक आती है टेबल टॉप कामनी। तो टेबल टॉप कामनी में फ्लावरिंग्स नहीं होती हैं और वो बस एक शो पर्पज़ के लिए होता है, उसके पास ग्रीन लीव्स होती हैं। मैं यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा दूँगी स्क्रीन पे। और एक होती है इसकी जो लास्ट वेराइटी, वो है मधु कामनी। उसमें जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं और फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े आते हैं अकॉर्डिंग टू मिनी कामनी। तो उसमें फ्लावर्स बहुत बड़े बड़े आते हैं। और तीनों ही एकदम हार्डी वेराइटी हैं, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है और पॉट में ईजिली ग्रो हो जाती हैं और बहुत अच्छी भी लगती हैं ये पॉट में। अब हम बात करते हैं कि इसको मिट्टी कैसी चाहिए। तो इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाइए, जो कि सैंडी सॉइल हो, कि जो कि थोड़ा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखे। तो वैसी सॉइल इसमें इसको बहुत पसंद है एंड बहुत अच्छे से भी ये ग्रोथ करेगी उस सॉइल मीडिया में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोपागेशन। तो इसकी जो प्रोपागेशन है, आप इसकी कटिंग से मॉनसून के सीज़न में आराम से इसको प्रोपागेट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजीली प्रोपागेट हो जाती है अगर मॉनसून का सीज़न चल रहा हो तो। तो आप इसे कटिंग से, आप इसकी इतनी लंबी ऊपर से कटिंग ले सकते हैं और फिर उसको आप मॉनसून के टाइम पर प्रोपागेट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की। तो मुरैया पेनिकुलाटा की जो तीनों वेराइटी हैं वो एकदम ड्राउट टॉलरेंस हैं, मतलब कि एक से दूसरी वाटरिंग के बीच में इनकी जो सॉइल है वो ड्राई होनी चाहिए, तभी आप इनको वाटरिंग कीजिए। मतलब इनको वाटरिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें कि हम इसकी प्रूनिंग कब कर सकते हैं। तो प्रूनिंग का जो बेस्ट टाइम है वो है लास्ट फेब या फिर स्टार्टिंग मार्च। तो उस टाइम पर आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग का ये फ़ायदा है कि आप अपने प्लांट को जैसा शेप देना चाहते हैं आप वैसा शेप दे सकते हैं। तो इसकी आप प्रूनिंग उस टाइम पर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डोरमेंसी पीरियड। तो विंटर जो है इसका डोरमेंसी पीरियड है, तो आप डोरमेंसी पीरियड में इसको प्रूनिंग रीपॉटिंग मत कीजिए, या फिर जो इस प्लांट की कटिंग है वो भी मत कीजिए, फर्टिलाइज़र भी इसे मत दीजिए। और विंटर में ये एकदम प्लांट रेस्ट में चला जाता है, इसको कोई भी उतनी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस यही है, विंटर में ये थोड़ा सा रेस्ट में जाता है, उसके बाद जैसे ही जब फिर से स्प्रिंग का सीज़न आता है ये अपने ब्लूम से जो है फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि हम इसे कौन सा फर्टिलाइज़र से फीड करें।
तो ये जो है इसको नाइट्रोजन और पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो बहुत पसंद होते हैं। जो पोटेशियम होता है वो फ्लावरिंग में हेल्प करता है इस प्लांट को। तो आप इसे बनाना पील फर्टिलाइजर से फीड कर सकते हैं। मैं इसमें बनाना पील फर्टिलाइजर ही यूज़ करती हूँ। हर 20 दिन में मैं इसमें मिट्टी को गुड़ाई करके और फिर मैं इस फर्टिलाइज़र को मैं इसमें डाल देती हूँ। तो मेरा और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें कि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करें, तो मैं बनाना पील का इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ। तो मेरे प्लांट की अच्छी ग्रोथ भी हो रही है एंड फ्लावरिंग भी इसमें बहुत अच्छी आ रही है। तो आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेरे इस प्लांट पे अभी कितने सारे अभी भी ब्लूम्स आए हुए हैं, फ्लावरिंग हुई है। और अभी कितनी सारी ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी कलियां हैं। अभी कलियां और इसकी जो एक मेन पॉइंट है या फिर एक फैक्ट जैसे मैं बताऊँ तो इसकी जो फ्लावरिंग्स हैं वो रात को ही खिलती हैं। जैसे कि जितनी भी कलियां हैं ये रात को आज खिल जाएंगी। एंड जो ये मेन जो अभी खिली हुई फूल है ये लगभग 1 से 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन ये टिक पाती हैं इस प्लांट पे। नहीं तो इसके फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं, इसे छूने भर से ये फ्लावर्स नीचे गिर जाते हैं। तो ये है, बट ये जो प्लांट है बहुत ही अच्छा, मेरा एकदम वन ऑफ द फेवरेट प्लांट है मेरा। एंड आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आप भी गार्डनिंग कीजिए। और ये प्लांट नहीं है तो आप इसे मानसून सीजन में ज़रूर नर्सरी से ख़रीद के ला सकते हैं और इसे अपने गार्डन में ऐड कीजिए। देखिए फ्रेंड्स अभी कितनी सारी कलियाँ अभी छोटी छोटी इस पे बन रही हैं और ये भी फ्लावरिंग बहुत जल्दी इसकी भी फ्लावरिंग होंगी। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड एंड हैप्पी गार्डनिंग।